हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस के शर्मा। थैंक्स जी वी से फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी विद यू। सो डियर जी वी से, आप सभी को जनरल इन्फॉर्मेशन के अलावा एजुकेशन की बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी एक्सपीरियंस टीचर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो दिस चैनल। तो आगे जैसे मेरी लेक्चर की सीरीज़ कंटिन्यू है, हम वेक्टर अलजेब्रा कर रहे हैं। तो पिछले सीरीज़ में आपने क्या पढ़ा, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्केलर्स, टेंसर्स एंड वेक्टर्स। जो आपने अभी तक अलजेब्रा पढ़ा है वो वेक्टर्स में नहीं लगता। कौन सा अलजेब्रा लगता है वेक्टर्स में, यही हमारा प्रेजेंट चैप्टर है, वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें लास्ट सीरीज में मैंने आपको एक ऑपरेशन बताया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। व्हेनेवर वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर, वी हैव ए न्यू वैक्टर एम ए। इस वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम टाइम्स दैट ऑफ ए। तो मेन तो बात है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको बोला था यदि एम पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ ए। सेम का मैथ में क्या मतलब है, इस वैक्टर वैक्टर ए एंड वैक्टर एम ए की लाइन ऑफ एक्शन में कितना एंगल होगा, जीरो। ये तब ट्रू इफ एम इज ग्रेटर देन जीरो। इफ एम इज लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, देन ए एंड एम ए की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन में कितना एंगल होगा, 180। तो पिछले लेक्चर्स में हम क्लियर कर चुके हैं जिन वेक्टर में एंगल जीरो या 180 होता है तो वो डेफिनेटली कोलिनियर होते हैं। सो एम ए एम ए एंड ए विल डेफिनेटली कोलिनियर प्रोवाइडर आइदर एम इज पॉजिटिव और एम इज नेगेटिव। इफ एम इज जीरो देन एम ए विल बी जीरो वैक्टर। जीरो वैक्टर की हम कोई डायरेक्शन नहीं डिफाइन करते, हम कहते हैं इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। जीरो वैक्टर की डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो आज का मेरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर एडिशन। जैसे आप स्केलर को ऐड करते हो, 5 + 3 = 8, इजी है स्केलर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 N + 3 N कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 8 N - 2 N, एनी वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस। सो वेक्टर एडिशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू स्केलर एडिशन। तो जैसे हम टू स्केलर्स को ऐड करते हैं एक नवा नंबर आता है, ऐसे जब आप वेक्टर्स को ऐड करोगे, सपोज आपने कई वेक्टर्स ऐड किए से ए बी सी, यू विल हैव न्यू वेक्टर, उसका नाम हम क्या रखते हैं, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, सो रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर क्या होता है, सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट नंबर टू इन सेम डायरेक्शन। जब भी वेक्टर की बात करनी है आपने दो चीज़ों की बात जरूर करनी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर, टू और मोर देन टू वैक्टर इज ए सिंगल वैक्टर विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एज ऑल वैक्टर प्रोड्यूस कंबाइंडली। क्या मतलब है, सपोज इस बॉडी का मास एम है, इसमें 5 N, 3 N फोर्स लगा और एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुई 2 m/s². सपोज सेम बॉडी पे अब फोर्स लगा से 6 न्यूटन,
इसमें एक्सलरेशन इतनी प्रोड्यूस हुई, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। यदि ये है तो फिर हम बोलेंगे 5 न्यूटन + 3 न्यूटन = 6 न्यूटन, बिकॉज 6 न्यूटन का अफेक्ट उतना ही जितना दोनों को है। तो प्लीज डोंट से भी 5 + 3 = 8, इट कैन बी 8, इट मे नॉट बी 8। सो क्या बोला मैंने, 5 न्यूटन + 3 न्यूटन कुछ भी हो सकता है, 8 न्यूटन से लेकर 2 न्यूटन तक। तो एट प्रेजेंट हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं भी दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। हम ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं हाउ टू वेक्टर्स आर एडेड। यदि आपने टू वेक्टर ऐड करने हैं, देर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर दोनों वेक्टर कोलिनियर है और दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर है। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हो, कोलिनियर वेक्टर में आइदर एंगल 0 होता है और 180 होता है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन में आइदर एंगल ये होगा और ये होगा। नॉन कोलिनियर उसको कहते हैं जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, नीदर एंगल लाइन ऑफ एक्शन में एंगल 0 डिग्री है नॉर 180 डिग्री। 180 डिग्री का दूसरा नाम क्या है, पाई रेड, पाई रेड। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, यदि टू वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनका रिजल्टेंट कितना और किधर होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितनी होगी। सिंपलेस्ट है, आपने दो वेक्टर ऐड करने, P+Q, एक नवा वेक्टर आ गया, उसका नाम क्या रखा, R। तो ये कोलिनियर है, यदि दोनों वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन में एंगल 0 डिग्री है तो वी कैन प्रूव P+Q का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ P + मैग्नीट्यूड ऑफ Q, जिसको लोग जनरली ये लिख सकते हैं P+Q। यदि दोनों वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो मैंने क्या लिखा, P+Q = P+Q, वेक्टर P+Q का मैग्नीट्यूड इतना होगा। तो जो मैंने ये लिखा है लेफ्ट में और राइट में, इन दोनों में बहुत फर्क है। जो लेफ्ट में लिखा है इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर सम, ये है स्केलर सम। जब हम मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे स्केलर सम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्केलर है। वेक्टर में दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम स्केलर से ऑपरेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पर ये डियर तभी होगा यदि दोनों वेक्टर्स में एंगल कितने, 0 डिग्री, अदरवाइज नहीं होगा। ये बोला मैंने, इफ पी इज दिस, क्यू इज दिस, तो P+Q जो है R, ये होगा P+Q के बराबर, P+Q के बराबर होगा अलजेब्रिक सम। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, डायरेक्शन कौन सी होगी रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट मीन्स P+Q की डायरेक्शन कौन सी होगी, सेम एज दैट ऑफ P और Q। सो इफ टू वेक्टर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और इसे कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर सम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये मैक्सिमम वैल्यू है दो वेक्टर के रिजल्टेंट के, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो मैंने ये बोला, इफ 5 न्यूटन
एंड 3 न्यूटन एक्ट इन सेम डायरेक्शन, देन इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बन जाएगा, 8 न्यूटन। दूसरा क्या बोला, ये P है ये Q है, तो R, R मीन्स P प्लस Q की डायरेक्शन कौन सी होगी, सेम एज दैट ऑफ P और Q। मैथ में इसका क्या मतलब है, ये P एंड Q के बीच में एंगल जीरो है, तो P प्लस Q P के साथ भी जीरो एंगल बनाएगा, Q के साथ भी जीरो एंगल बनाएगा। क्या मतलब है, ये P एंड Q आर कोलिनियर टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट इज आल्सो कोलिनियर टू ईच अदर। तो फिर बोल रहा हूँ, इस केस में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन ऑल अदर केस जी इफ थीटा इज नॉट जीरो डिग्री, देन पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली लेस देन होगा पी प्लस क्यू से। अलजेब्रिक सम से ये डेफिनेटली क्या होगा, काम होगा। मतलब यदि इन दोनों में एंगल जीरो नहीं है, देन 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली लेस देन होगा 8 न्यूटन। सो इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, 8। 8 कब होगा, व्हेन बोथ एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन। सो इन जनरल ये लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, दिस साइन ऑफ इक्वलिटी कब आएगा, व्हेन बोथ दिस वेक्टर एक्ट इन सेम डायरेक्शन। नो केस टू, इफ बोथ वेक्टर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि दोनों वेक्टर अपोजिट में है, इसमें भी आप लिखोगे R इक्वल टू P प्लस Q। सो इफ दिस इज P, दिस इज Q, मतलब ये 5 न्यूटन है ये 3 न्यूटन है, इस केस में 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हेन बोथ वेक्टर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इसमें जो R का मैग्नीट्यूड है मीन्स P प्लस Q का मैग्नीट्यूड है, ये बराबर होगा आइदर P माइनस Q और Q माइनस P। P माइनस Q कब होगा, व्हेन P का मैग्नीट्यूड Q से ज़्यादा है। Q माइनस P कब होगा, जो P का मैग्नीट्यूड Q से कम है। तो मैंने लास्ट टाइम बोला था वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसका आपने मैग्नीट्यूड पॉजिटिव निकालना, ये बोथ वेक्टर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट का किसके बराबर होगा, डिफरेंस इन देयर मैग्नीट्यूड। डिफरेंस किसका किससे लेना, बड़े का छोटे से, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव निकालना है। सो इस केस में 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन कितना होगा, 2 न्यूटन। ख्याल रखना इट इज ए प्लस साइन नॉट माइनस, प्लस है ये, एडिशन है, मैं एडिशन पढ़ा रहा हूँ आपको, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा। और इस केस में डायरेक्शन कौन सी होगी आर की, ये बोथ वेक्टर्स एक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, पी ए या क्यू ए है, तो ये पी क्यू से बड़ा है, तो आर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पी। अब आर होगा पी माइनस क्यू, आर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पी। इसका मैथ में क्या मतलब है, आपने मैथ में अंडरस्टैंड करना जो बोला जा रहा है। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन मैथ में आएंगे, थ्योरी नहीं आती कंपटीशन में, थ्योरी नहीं आती, थ्योरी आती है से 15% 20% 80% मैथमेटिकल क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, भी आर इन द एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ पी, मतलब आर का एंगल पी के साथ कितना होगा, जीरो। आर का क्यू के साथ कितना एंगल होगा, 180। अगेन सो ये दोनों कोलिनियर है, इनका एंगल इनके साथ आइदर जीरो है और 180 है। इसका मतलब आर भी इन दोनों को क्या होगा, कोलिनियर। यदि P छोटा है Q बड़ा है, तो R इन द डायरेक्शन ऑफ Q होगा, फिर R लिखना Q माइनस P, ये मैग्नीट्यूड है, एंड इसके डायरेक्शन की होगी जो सेम एज दैट ऑफ Q, जो Q की डायरेक्शन है। तो ये तो दो एक्सट्रीम केस हैं, इफ बोथ वेक्टर एक्ट इन सेम डायरेक्शन देन P प्लस Q will be equal to P plus Q, or in general it will be less than or equal to this. It is a, ये vectors हैं, ये क्या है, their magnitude, algebraic sum, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
5 newton plus 3 newton can never be more than 8 newton. ये sin of equality कब आएगा, जब इन दोनों में एंगल कितने, जीरो. एंड इट विल डेफिनेटली मोर देन इक्वल टू पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी, डिपेंडिंग अपॉन किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है. तो सो पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लाइक करेगा बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू. मैं यहां ज्यूम कर रहा हूं पी क्यू से बड़ा है. अब हम पढ़ेंगे यदि आपने नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऐड करने हैं. नॉन कोलिनियर वेक्टर्स किनको कहते हैं, जिनमें आइदर नीदर एंगल जीरो डिग्री है नॉर 180. सो यदि आपने नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ऐड करने हैं उसके लिए आपके पास दो लॉस ने, एक ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल्स लॉ क्या कहते हैं, सपोज ए वेक्टर पी है, ये क्यू आपने ऐड करनी है, पॉइंट ओ से ड्रॉ किया वेक्टर ओ ए विच इज इक्वल टू पी. वेक्टर कब इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन सेम, इसकी डायरेक्शन इस वाली है. सो ए से वेक्टर ड्रॉ किया ए बी जो क्यू के बराबर है, मतलब तो इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है. तो ट्रायंगल लॉ कहता है जो ये साइड है ना ये रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम. सो ट्रायंगल लॉ ये कह रहा है ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी. क्या लिखना, मैंने ये नहीं लिखा ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, ये नहीं लिखा. ये तभी ट्रू होगा यदि इन दोनों के बीच में एंगल जीरो है, अदरवाइज नहीं होगा. सो यू शुड नो ये इसका मतलब डिफरेंट है, इसका मतलब डिफरेंट है. सो ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, जहां पे पी खत्म होगा क्यू वहां से शुरू होगा. देन थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करेगी, इनका रिजल्टेंट कंप्लीटली अपोजिट ऑर्डर. यदि ओ ए बी बी ओ सेम ऑर्डर है, ओ ए बी बी ओ सेम ऑर्डर है, तो तीसरी साइड ओ बी लेनी है. दूसरा आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं, सपोज वी हैव टू ऐड पी एंड क्यू, पॉइंट ओ से ड्रॉ किया ओ ए वैक्टर इक्वल टू पी. इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन सेम. ओ से वैक्टर ड्रॉ किया ओ बी विच इज इक्वल टू क्यू. देन कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम. तो ये लॉ कहते हैं ये वैक्टर ये डायगनल रिप्रेजेंट करेगा पी प्लस क्यू, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या बोला, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो जो डायगनल इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इनका रिजल्टेंट. आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ये पता क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस. सो कौन सा डायगनल लेना है, जो डायगनल इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है. जो ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है ये रिजल्टेंट डिफाइन करते हैं क्वालिटेटिवली, भी ये साइड रिजल्टेंट होगी ये डायगनल रिजल्टेंट होगा. नॉट कंप्लीटली मैथमेटिकली नहीं डिफाइन करते, एनालिटिकली नहीं डिफाइन करते. एनालिटिकली मीन्स 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, मैंने बोला है 2 न्यूटन से 8 न्यूटन तक कितना हो सकता है, ये सेम डायरेक्शन में तो 8 है, ये अपोजिट है 2, इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है, कितना होगा उसका एग्जैक्ट आंसर
आपके पास एक लॉ है जो प्लस टू में प्लस वन में रोज यूज होता है जब आपने वेक्टर से ऐड करने हैं, वो क्या है जिसे कहते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज ए वेक्टर पी है, ए क्यू है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो मैंने आपको पढ़ाया है ये क्या होगा आर, आर मीन्स पी प्लस क्यू। वी कैन प्रूव वे आर का मैग्नीट्यूड, जिसका नाम मैं आर रखूंगा, मीन्स पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड इतना होगा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा का अंडर रूट। जब भी हमने वेक्टर टू ऐड करने हैं इस मेथड से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, थीटा पी एंड क्यू की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एंगल है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है। सपोज रिजल्टेंट एंगल बना रहा है बीटा पी के साथ, रिजल्टेंट एंगल बना रहा है बीटा पी के साथ, वी कैन प्रूव टेन बीटा इज क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इससे डायरेक्शन आएगी रिजल्टेंट की, तो आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट व्हाट इज बीटा, बीटा इज द एंगल जो P प्लस क्यू पी के साथ बना रहा है। यदि कोई बच्चा लिख देता है P क्यू को इंटरचेंज कर देता है, इसे लिखता है P साइन थीटा P की जगह क्यू, क्यू प्लस P कॉस थीटा, फिर भी ये ठीक होगा, पर फिर ये एंगल आएगा क्यू के साथ ये वाला। तो क्वेश्चन में बच्चों को जनरली पता नहीं लगता बीटा क्या है, यदि आपने फार्मूला यूज किया बीटा इज द एंगल दैट रिजल्टेंट मेक्स विद वेक्टर पी। फिर स्पेशल केस इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो मीन्स पी एंड क्यू एक्ट इन सेम डायरेक्शन, ये पहले पढ़ाया, फिर यहां से आप प्रूव कर सकते हो आर मीन्स पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा पी प्लस क्यू। फिर बोल रहा हूं लेफ्ट में क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम इज इक्वल टू अलजब्रिक सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड व्हेन वेक्टर एक्ट इन सेम डायरेक्शन, एंड इस केस में रिजल्टेंट किधर एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू के बीच में एंगल जीरो है, आर का पी के साथ भी एंगल जीरो होगा, क्यू के साथ भी एंगल कितना होगा जीरो होगा। दूसरा स्पेशल केस इफ बोथ वेक्टर्स आर नॉर्मल टू ईच अदर, ये एंगल 90 है, तो फिर थीटा 90 कॉस 90 जीरो, फिर पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड जिसका नाम आर रख रहे हैं थीटा 90 कॉस 90 जीरो, ये जीरो हो जाएगा, फिर ये होगा। तो और उल्ट कन्वर्सली मैं क्या बोल रहा हूं, ये फार्मूला रिजल्टेंट के लिए तभी लगेगा यदि दोनों वेक्टर्स में एंगल 90 डिग्री है। हम ये फार्मूले को इतनी बार यूज करते हैं बच्चे हर जगह लगाने लग जाते हैं, नो वी आर डिस्कसिंग स्पेशल केस, ये तब होगा इफ दे एक्ट इन सेम डायरेक्शन, ये तब होगा व्हेन दे एक्ट इन अप नॉर्मल टू ईच अदर। तो इस केस में डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन के लिए फार्मूला ये है थीटा 90, सो टेन बीटा थीटा 90 साइन 90 वन होता है, कॉस 90 जीरो, सो बीटा क्यू अपॉन पी, व्हाट इज बीटा जो एंगल पी के साथ बना रहे हैं। यदि किसी बच्चे ने पी अपॉन क्यू लिख दिया फिर भी ठीक होगा, बट देन बीटा विल बी एंगल विद वेक्टर क्यू। फिर तीसरा केस ये बोथ वेक्टर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे पहले डिस्कस किया है ये बोथ वेक्टर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ये पी ये क्यू ये एंगल 180 डिग्री और पाई रेड। सो यदि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखोगे ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस 180, कॉस 180 होता है माइनस वन। एक रिजल्ट आपको
याद होना चाहिए स्पेशली मेडिकल को, वो ये है साइन एन पाई इज ऑलवेज जीरो, कॉस एन पाई इज आइदर प्लस वन और माइनस वन वेयर एन इज जीरो वन टू थ्री सो ऑन. साइन एन पाई इज ऑलवेज जीरो, कॉस एन पाई आइदर प्लस वन और माइनस वन, कॉस जीरो प्लस वन, कॉस पाई माइनस वन, कॉस टू पाई प्लस वन, कॉस थ्री पाई माइनस वन. मतलब इफ एन इवन है तो प्लस वन, यदि एन ऑड है तो माइनस वन. वेयर साइन एन पाई इज ऑलवेज जीरो. तो कॉस 180 माइनस वन. सो इफ बोथ वेक्टर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, यदि आप इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करके आएगा आइदर पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी, दोनों में एक आंसर रहेगा. ये तब होगा इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू, ये तब होगा इफ पी इज लेस देन क्यू. जो पहले बताया, यदि पी बड़ा है तो आर होएगा पी माइनस क्यू, यदि पी छोटा है क्यू बड़ा है तो पी प्लस क्यू होगा क्यू माइनस पी. और डायरेक्शन कौन सी होगी, जो पहले बोले यदि पी बड़ा है तो मैग्नीट्यूड पी माइनस क्यू एंड आर विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ पी. मतलब आर का पी के साथ एंगल कितना होगा जीरो, तो नेचुरली क्यू के साथ कितना होगा 180. यदि पी छोटा है, पी इज लेस देन क्यू, देन पी प्लस क्यू विल बी पी प्लस क्यू विल बी क्यू माइनस पी एंड इन दैट केस रिजल्टेंट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू. तो एक और फार्मूला जो काफ़ी ज़्यादा हम यूज करते हैं, काफ़ी यूजफुल है भी, यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट इज पी का मैग्नीट्यूड भी क्यू का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है से एक्स. मतलब आपने 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन ऐड करना, आंसर कितना आएगा. बहुत बार आपको करना पड़ता है. यदि आपने दो वेक्टर्स ऐड करने हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो हम प्रूव कर सकते हैं आर आर मीन्स पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड हो जाता है 2x cos θ/2. ये बहुत अच्छा फार्मूला है टू ऐड टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. एंड इफ थीटा इज 120 तो ये एक्स के बराबर हो जाएगा. तो ये आम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या 5 न्यूटन 5 प्लस 5 न्यूटन 5 न्यूटन के बराबर हो सकता है? डेफिनेटली यस हो सकता है. क्या मैंने आपको क्या पढ़ाया, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 न्यूटन टू 10 न्यूटन. 5 भी हो सकता है. कब होगा, यदि उनके बीच में एंगल कितने 120. सो इफ दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है से एक्स, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये वेरी गुड फार्मूला है ऐड करने के लिए व्हेन बोथ वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड. एंड इस केस में आप प्रूव कर सकते हो बीटा इज थीटा बाय टू. व्हाट इज बीटा, जो पी प्लस क्यू पी के साथ एंगल बना रहे हैं. बीटा इक्वल टू थीटा बाय टू मीन्स रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में होगा. रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम. मतलब रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर में होगा. यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट ऑलवेज विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम. सो जे ए पी और क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बीटा थीटा बाय टू मीन्स रिजल्टेंट सेंटर में होगा. अदरवाइज ए पी का मैग्नीट्यूड क्यू से ज़्यादा है तो रिजल्टेंट पी के क्लोज होगा. पी के क्लोज मतलब फिर बीटा क्या होगा, लेस देन थीटा बाय टू. एंड इफ पी का मैग्नीट्यूड कम है क्यू से, पी छोटा है क्यू बड़ा है, फिर रिजल्टेंट क्यू के क्लोज होगा, फिर बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन थीटा बाय टू. एक और चीज़ है जो हम मल्टीपल क्वेश्चन को, जो मल्टीपल का क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना, मिनिमम टाइम पे करना. तो मैंने आपको बोला
यदि दो वेक्टर नॉर्मल है तो पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओनली ट्रू इफ दीज आर नॉर्मल टू इच अदर। नाउ यदि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी एक्स, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अंडर रूट टू एक्स। सो यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है से एक्स, और उनके बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट ये बन जाएगा। ये टिप्स हैं कि ये क्वेश्चन को कम टाइम में करने के लिए। एक मैंने बताया आपको, यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो देन पी प्लस क्यू, पी भी एक्स है क्यू भी एक्स है, पी प्लस क्यू भी एक्स होगा, पी प्लस क्यू भी एक्स होगा। तो वेक्टर एडिशन में एक और चीज़ है, यदि वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, इफ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, सिमेट्रिकल का मतलब उनके बीच में एंगल इक्वल है, देन देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो वेक्टर। क्या, जैसे ये दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी एक्स है, इसका भी एक्स है, तो इस केस में पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड पक्का कितना होगा, जीरो। यदि एक वेक्टर ये है एक ये है, मैग्नीट्यूड इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स, एक्स है एक्स, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो इस केस में इन तीनों का सम भी कितना होगा, जीरो। यदि आपके पास चार वेक्टर हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऐसे, तो इन चारों का वेक्टर सम भी कितना होगा, जीरो। ये वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, जीरो वेक्टर। एक और चीज़ है जो बार बार यूज होती है, भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब जीरो होगा। सो इफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसको इधर ले जाओ, सो ए जीरो माइनस बी इज माइनस बी, सो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब जीरो होगा, व्हेन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट ओनली। दो वेक्टर का रिजल्टेंट सिर्फ 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 तब जीरो होगा व्हेन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। जैसे डायनामिक्स में आता है एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट। यदि आपने एक्शन और रिएक्शन दोनों को ऐड करने हैं, तो सम पक्का जीरो आएगा, यदि ऐड करने हैं। फिर तीन वेक्टर का सम कब जीरो होगा, तीन वेक्टर का सम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, मुझे सम नहीं बोलना चाहिए, सम स्केलर में बोलते हैं, पर स्टिल हम बोल देते हैं, क्या बोलना चाहिए, रिजल्टेंट। तीन वेक्टर का रिजल्टेंट तब जीरो होगा इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। इस केस में इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तो यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि तीन वेक्टर है, नंबर एक कोप लेनर है, नंबर टू नॉन कोप लेनर है, क्या रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था प्लेनर का मतलब सेम प्लेन, प्लेन किस में कहते हैं, जिसमें सिर्फ दो क्वाड्रेंट चेंज होते हैं। तो डियर, ट्रायंगल की तीनों साइड सेम प्लेन में होती हैं, मतलब तीन वेक्टर का सम रिजल्टेंट तभी जीरो होगा इफ दे आर प्लेनर। इफ थ्री वेक्टर्स आर नॉन को प्लेनर, फिर उसका रिजल्टेंट है कभी भी जीरो नहीं होगा, फोर का कैसे भी जीरो हो सकता है। तो मैं आपसे थोड़ा वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस किया, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं किया, कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स।